रेफरेंस रेफरेंसेस कल कर लें फिर। आज ना कर लें, आज करवा देना, अभी टाइम है। ठीक हो गया है। अच्छा कि आपके पास डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पे पैराग्राफ एक ले आता हूँ, पैराग्राफ ले आऊँ। यहाँ पे रेफरेंसेस कहते किसको है? रेफरेंस हमारे पास होता है हवाला, ठीक है। जी रेफरेंसेस भी हवाला जात में आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास इसमें प्लूरल आ जाता है। रेफरेंसेस में आपके पास मेन फंक्शन आ जाते हैं, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, फुट नोट्स, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। ठीक हो गया है। इसमें आपके पास जी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में आपके पास क्या आता है, यूज कहाँ पे होता है? टेबल ऑफ कॉन्टेंट में भी यूज होता है अक्सर। हम देखते हैं कोई बुक्स ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहला जो पेज होता है उसमें चूंकि इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड पेज जब आपके पास आता है वहाँ पे कॉन्टेंट्स लिखे होते हैं, कोर्स कॉन्टेंट या यूनिट्स के कॉन्टेंट लगे होते हैं, जो कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, ये फलाने फलाने पेज पे है, ठीक है। तो मैं जी भी यहाँ पे कॉन्टेंट्स ही बना देता हूँ एक। मेरे पास सपोज करें ये आपके पास 1 2 3 4 5 फाइव पैराग्राफ्स हैं मेरे पास, ठीक है। फाइव पैराग्राफ को मैं अलग अलग पेज पे ट्रांसफर कर देता हूँ कंट्रोल एंटर करके। ये अलग पेज पे ट्रांसफर, कंट्रोल एंटर, ये अलग पे ट्रांसफर। कंट्रोल एंटर, ये अलग पेज पे ट्रांसफर हो गया। जी अच्छा इसमें ना इसके जो पहले पहले वर्ड्स हैं इनको मैं बना देता हूँ हेडिंग। ठीक हो गया। एक एक मैंने यहाँ पे वर्ड छोड़ दिए ऊपर, इस वर्ड को मैं बना देता हूँ यहाँ पे हेडिंग। अभी यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में देखें आपके पास यहाँ पे आ गया है एड टेक्स। एड टेक्स को क्लिक किया यहाँ पे आपके पास आ गया लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल्स क्या है आपके पास, ये बेसिकली है हेडिंग्स। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूँ लेवल 2। लेवल 2 सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ होम के ऊपर। होम के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हेडिंग 2 जी सेलेक्ट है, जी ठीक है। तो ये आपके पास हेडिंग्स आ गई है। मैं यहाँ पे लेवल 1 सिलेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसको भी मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 सिलेक्ट कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 सिलेक्ट कर दिया। नीचे जो आपके पास हैं फर्दर, इनको भी हम यहाँ पे हेडिंग्स ही दे देते हैं। सिलेक्ट कर दिया इसको मैंने यहाँ पे, जी ये आपके पास हेडिंग्स आ गई। मैं आ जाता हूँ सबसे टॉप ऑफ द पेज पे। पहले पेज पे मैं कंट्रोल एंटर, पहला पेज मैं खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट जाऊँगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास आ गया ऑटोमेटिक टेबल्स, ऑटोमेटिक टेबल 1 2, और यहाँ पे मैनुअल टेबल, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल 1 पे क्लिक किया है, यहाँ पे आपके पास आ गया है टेबल ऑफ कॉन्टेंट, जिसमें आपके पास जो हमने चैप्टर्स के नाम उठाए थे वो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सा जी टेबल है, ऑटोमेटिक टेबल है, ठीक है। जी इसके साथ जो 2 है इसमें सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, एक में टेबल ऑफ कंटेंट लिखा आता है, एक में कंटेंट लिखा आता है सब जस्ट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कंटेंट्स किस तरह बनाए जाते हैं, उस तरह बनाए जाते हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे वो कह रहे हैं office.com में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी कस्टमाइज। उसको कस्टम करना है आपने। कस्टमाइज में क्या आ जाता है, यहाँ पे शो पेज नंबर शो करवाना है, अगर शो नहीं करवाना है यहाँ से हाइड कर दें, यहाँ पे आपको हाइड हो रहा है। अगर व्यू में देखें हम राइट अलाइन, वो कह रहे हैं कि दरमियान में डॉट्स ना हो, ये जो आपके पास नंबर्स ही यहाँ पे अटैच हो जाए डायरेक्ट, हमने कहा है कि राइट अलाइन जी और राइट साइड पे आपके पास हो। डॉट्स हैं, डॉट्स को हम खत्म कर देते हैं, ये डैश लगा देते हैं, ओके कर दिए, यहाँ पे आपके पास यस, ये आपके पास डैश लग जाएंगी, ठीक है, जिसको वो अंडरस्कोर जी होता है आपके पास वो लगे। अच्छा दूसरी इसमें क्या खास बात है,
क्योंकि आपके पास है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक तो वर्ड में आपके पास टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। मैं जाना चाहता हूँ सिक्स वाले चैप्टर पे, ठीक है, ये जो रीडिंग वाला चैप्टर है। कंट्रोल प्रेस करूँगा, रीडिंग पे क्लिक जी करूँगा, मैं आ जाऊँगा रीडिंग वाले। अब एलान की रीडिंग तो था आखिरी पेज पे, पर मैंने वहाँ पे क्लिक किया जी और एक आखिरी पेज पे आ गया। तो ये आपके पास क्या है, हाइपर लिंक्स। मैं जाना चाहता हूँ थीम्स वाले चैप्टर पे, क्लिक किया कंट्रोल और ये आपके पास आ गया, थीम्स वाले चैप्टर पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास है हाइपर, जी हाइपर लिंक कहाँ से आता है, कहाँ से खत्म होता है, यहाँ पे कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट में चला गया। यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखिए, यहाँ पे है वेब प्रीव्यू। वेब प्रीव्यू का ये मतलब है कि अगर ये चीज़ आपने वेब पे लगानी है या वेब पे आपके पास किस तरह आता है, जिस तरह हमने गूगल पे सर्च में कुछ लिखा है, गूगल में उस बॉक्स में लिखा है, तो साथ हम सर्च करते हैं आपके पास वहाँ पे उसी जगह पे चला जाता है जिस बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लिंक्स इस तरह शो करता है, यूज हाइपर लिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, क्लिक किया ओके कर दिया हमने। अभी हम लोगों ने कहा है कि हमें हाइपर लिंक नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे आप प्रेस कर दी जाए, यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो क्योंकि हाइपर लिंक खत्म कर दिया हमने, जी ठीक है। यहाँ पे कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज ओके हो गया। हाँ अभी हमने फिर से लगा दिया, तो ये आपके पास आ गया। अभी आपके पास है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स, रिमूव करना चाहती है, यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया मैंने। ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट, ये आपके पास है ऐड टैक्स, ये आपके पास क्या है, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल से क्या होता है, मैं अपडेट किया जी नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जी ये है कोर्सेज, कोर्सेज में यहाँ पे लिख देता हूँ, DIT हो गया, CIT हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ठीक है, वेब हो गया। अभी इन सबको सेलेक्ट करके इनको मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये कि आपके पास मेरे पास कंटेंट है, और कोर्स को मैं यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग, ठीक है, जी इसको मैं हेडिंग दे दी है, पर कोर्स इसमें आपके पास शामिल नहीं हुआ कंटेंट में, उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे भी लिखा है अपडेट टेबल, यहाँ पे भी अपडेट टेबल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा है अपडेट पेज नंबर ओनली, हम कहते हैं नहीं पेज नंबर नहीं, एंटायर टेबल, मुकम्मल टेबल हमने अपडेट करना है, ओके कर दिया। जैसे ओके किया, यहाँ पे जी मेरे पास क्या आ गया है, कोर्स कोर्स भी यहाँ पे शामिल हो गया। कंट्रोल प्रेस करें, कोर्स पे जाना चाहती हैं, यहाँ पे कोर्स पे आ जाए आप, ठीक हो गया। तो यहाँ जी पास था टेबल जी कंटेंट, इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्टली फुट नोट, फुट नोट्स, ठीक है। अभी फुट से अगर मुराद है फुटर, फुटर कहाँ पे लगता है, आपके जी पास पेज के एंड पे लगता है, ठीक है। ये जी भी सपोज करें आपके पास जी कोई फुटर की तरह है, लेकिन साथ लिखा है कि नोट, नोट किस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किसने नोट किया है, किसने यहाँ पे लिखा है, तेरी सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको ले गया हूँ रेफरेंसेस में। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट फुट नोट, कि मुझे चाहिए यहाँ पे फुट नोट, ये जो पैराग्राफ है ये किसी मुसन्निफ, किसी राइटर, ये इनका लिखा हुआ है। यहाँ पे किया, जी यहाँ पे आ गया वन, वन के साथ यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ अहमद, अहमद फराज कर दिया, ठीक है। ये आपके पास फुट जी नोट आ गया। अभी जो यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, यहाँ पे जी फराज अली आ गया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपके पास अगर मजीद है नेक्स्ट और भी नोट्स हैं तो उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने लगा दिए दो फुट नोट। एक आपके पास है इंसर्ट एंड नोट, एंड नोट क्या होता है, एंड नोट होगा जो सबसे एंड पे आएगा, ठीक है। जी अभी इसी के अंदर ना जो फराज वाला है, इसी के अंदर जो पहला सेंटेंस है ये एंड पे शो है, मतलब जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की नजरसानी की है ना, वो एक अलग राइटर ने की है, उसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट तो आप बस कोर्सेज भी नीचे आ गया, सबसे एंड पे आ गया, यहाँ पे उसको जी वसीम बदामी, ठीक है, मैंने ये कर दिया एंड नोट। अभी अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये जो आखिरी वाला है, इसको भी मैं यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया फैसल कुरैशी, ये भी आपके पास कोई राइटर होंगे। अच्छा ये जी होगा, यहाँ पे पैराग्राफ लिखे, पैराग्राफ के एंड पे आपको यहाँ पे वर्ड शो हो रहे होंगे, वर्ड के पास जैसे ही आप माउस रखेंगे यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपके, हाँ जी पैराग्राफ किसने लिखा है, जी ठीक। इसी के साथ अगर ऊपर हम देखें
फुटनोट का, फुटनोट का यहाँ पे आपके पास आ रहा है फराज अली। अभी फुटनोट और एंड नोट शो किस तरह होंगे? जो आपके पास फुटनोट होगा ये आपके पास शो होगा बाय नंबरिंग, जी और एंड नोट आपके पास शो होगा रोमन्स में। जी ठीक हो गया। जी यहाँ पे है नेक्स्ट फुट नोट, फुट नोट लीजिए। आप देखना चाहती हैं यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट, प्रीवियस एंड नोट, यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस का के हम जितने भी नोट्स हैं सारे देखना चाहते हैं। यहाँ पे शो नोट्स, शो एंड नोट एरिया, एंड नोट का कौन सा एरिया है? ये वाला है। जी अभी मैं करता हूँ शो फुट नोट एरिया, शो फुट नोट एरिया, फुट नोट का एरिया ये वाला है। यहाँ पे ले गया है माउस, ठीक है। जी बस ये एरियाज आ गए हैं फुट नोट और एंड नोट्स के। अभी अगर हम इसकी जनरल एग्जांपल देखें, आ जाते हैं यहाँ पे गूगल पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे गूगल कर दिया, गूगल पे मैं सर्च करता हूँ एक कोई कीवर्ड, कीवर्ड मैं सर्च कर देता हूँ अलामा इकबाल। अलामा इकबाल को सर्च किया मैंने, चूंकि सबसे पहले वेबसाइट को ही मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है। उसके बाद उर्दू में मोहम्मद इकबाल लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है। अच्छा आगे लिखा है कि वाज अ साउथ एशियन मुस्लिम राइटर, ठीक है। जी नजर आ रहा है आपको? जी जी अच्छा आगे यहाँ पे लिखा है वन, साथ लिखा है टू। अभी वन टू क्या है? जी वन टू आपके पास है नोट्स। हाँ जी, अभी जी वन टू क्या है कि किसी ने यहाँ पे इसमें ऐड किया है कि इलामा इकबाल क्या थे? साउथ एशियन मुस्लिम राइटर थे। राइटर तो थे, फिलोसफर भी थे, लेकिन किसी ने एडिशंस किए कि साउथ एशियन मुस्लिम राइटर थे। वो किसने किया? यहाँ पे आ गया वन, वन में अगर हम देखें यहाँ पे आ गया है लेली वेल्ड डेविड 2004, ठीक है। 2004 में इसने एडिशंस किए हैं। बुक जी वगैरह कौन सी थी? उस बुक का नाम था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। जी उन्होंने ये डिनोट किया था कि मोहम्मद इकबाल साउथ एशियन पोइट और आइडियोलॉजिकल इन्वेटर्स रोड पोइट्रीज इन उर्दू, इन्होंने ही बताया है, ठीक है। अभी मैं टू पे आ जाता हूँ, जी टू पे आ गया हूँ तो यहाँ, अच्छा टू पे मैं आया हूँ ना, यहाँ पे आपके पास है इकबाल सर मोहम्मद सिंह खुशवंत जकरिया रफीक, ठीक है। इन्होंने कोई एडिशंस किया है किसमें? जी शिक्वा जवाब, शिक्वा से ये चीज उठाई है उन्होंने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस में भी ये चीज आई हुई है कि इकबाल इट इज ट्रू इस एसेंशियली ए पॉइंट ऑफ इस्लाम। इन्होंने भी इस चीज पे एग्री किया कि हाँ जी वो क्या थे? साउथ एशियन। अगर हम आगे चलते जाएं यहाँ पे है स्कॉलर एंड पॉलिटिशियंस, हाँ किसी ने लिखा था, राइटर भी है फिलोसफर भी है, लेकिन साथ किसी ने अटैच कर दिया है ये आपके पास सीविया पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ मोहम्मद इकबाल। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रेस जी में भी आया हुआ है, ठीक है, कि इकबाल वाज इलेक्टेड। वो आपके पास क्या थे? पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1927, मतलब वो आपके पास क्या थे? पॉलिटिशियंस भी थे, स्कॉलर के साथ साथ पॉलिटिशियंस भी थे वो। आगे हम जाएं जी बस यही लाइन को उठा लेते हैं, फाइव हो गया। फाइव में भी किसी ने एडिशंस की हुई है। यहाँ पे सिक्स पे शेलर डी इन्होंने किया हुआ है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, इस तरह इन्होंने फरवरी 2021 में ये चीज डाली हुई है कि वो क्या थे? जी आपके पास ही इज कंसीडर्ड ग्रेट पोएट इन उर्दू ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी के वो क्या थे? एक अजीम उर्दू शायर सर जुबान के, ठीक है। तो अंजुम जफर जी 2014 में यहाँ पे कोई एडिशन की हुई है। द लाइफ ऑफ पोइट्स आठ में आ जाते हैं। यहाँ पे फ्रॉम द डिफरेंस, तो ये आपके पास क्या है? वो नोट्स हैं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन है ना, हम तो वहाँ पे ऑफलाइन का जिक्र कर रहे थे, इस वजह से बताना चाह रहा था मैं कि यहाँ पे नोट्स किस तरह हमारे पास आते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस का उठाया था ना, मैंने सिर्फ माउस रखा है तो खुद ब खुद आ गया ये आपके पास कौन है? वसीम बादामी है, ठीक हो गया। जी तो ये आपके पास हो गया है फुट नोट्स। इसके साथ आगे आपके पास है यहाँ पे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन आपके पास क्या होता है? मैं नोट से हट के यहाँ पे आ जाऊंगा।
यहाँ पे मैं एंटर करके एक पैराग्राफ भी उठा लेता हूँ। पैराग्राफ मैंने ले लिया, अभी पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करता, नीचे मैं एंटर करके ना यहाँ पे लाइन पे लगा देता हूँ कि हाँ जी साइटेशन। साइटेशन वगैरह किस लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स, वो कह रहे हैं नई सोर्स अप्लाई किया है, न्यू सोर्स किस लिए के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स में क्या आ जाता है, टाइप ऑफ सोर्स। जिस तरह अगर आपने पीछे देखा, मैं रेडिट पे दिखा रहा था आपको कि वहाँ जी उन्होंने बुक का भी हवाला दिया हुआ था, ठीक है, और बुक में बताया हुआ था कि हाँ जी जो सेंटेंस था वो भी लिखा हुआ था, और सेंटेंस में रिलेटेड ये लिखा हुआ था कि ये उर्दू के अजीम शायर हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास टाइप ऑफ सोर्स क्या है, बुक। मैंने ये जो टेक्स्ट उठाया है ये बुक से उठाया है, ठीक है। बुक का आथर कौन है, बुक का आथर अभी ये सब बुक के लिए नहीं, ये बुक सेक्शंस के लिए भी, जनरल आर्टिकल के लिए भी, आर्टिकल इन अ पेरियोडिकल कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग हो गया, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, जिस तरह आपके पास फैक्स, परफॉर्मेंस, कोई फिल्म हो, कोई फिल्म वगैरह बन रही हो उसकी जो स्क्रिप्ट होती है उसके साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि फिल्म किसने लिखी है, राइटर्स कौन है इसके, एडिटर्स कौन है इसके, ठीक है, पब्लिश कब कर रहे हैं फिल्म को, तो इसकी वो एपिसोड्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं आपके पास। कोई केस हो, केस को भी डिस्कस करते हैं हम, जनरली बुक को चूंकि उठाया हुआ था हमने इस वजह से बुक भी आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है आथर, आथर मैंने यहाँ पे कर दिया अहमद फराज, ठीक है। एक आपके पास है कॉर्पोरेट आथर, दोनों में से आपके पास एक यूज़ होता है। कॉर्पोरेट आथर आपके पास जब आथर की वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो, यहाँ पे आ जाता है कॉर्पोरेट आथर। जब आपके पास नाम चलेगा आगे वो कॉर्पोरेट का चलेगा, फिर आथर का नाम नहीं चलेगा क्योंकि आथर ने काम आदमी नहीं छोड़ दिया था फिर, ठीक है। इसके बाद आपके पास है टाइटल, टाइटल हम क्या देना चाहते हैं बुक को, जनरली एक एग्जांपल उठा लेते हैं फना, बुक का टाइटल है। अच्छा, कब रिलीज, बुक की स्टार्टिंग कब हो रही है, यहाँ पे हो रही है जी 2022 में, ठीक है। सिटी, सिटी आपके पास है रावलपिंडी, ठीक है। पब्लिशर्स कौन है, यहाँ पे है लियाकत, पब्लिशर्स जिन्होंने पब्लिश करनी है, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, ये आपके पास आ गई है बेसिक इन्फॉर्मेशन साइटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने दो सेंटेंस पढ़े हैं, दो वर्ड्स, सॉरी, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशन में आ जाती है उसका बेसिक बायोडाटा, उसका, ठीक है, कि हमने क्या सोर्स उठाया है, बुक उठाया है, ठीक है, बुक उठा ली है, उसके बाद ऑथर्स कौन है, हमारे पास टाइटल क्या है, कब, सिटी और पब्लिशर, बस ये आपके पास आता है साइटेशन में। जो एक्स्ट्रा है ये आपके पास सामने बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में आ जाती है उसकी कंप्लीट बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, मतलब कि उसमें कितने हैं बुक के, उसका एडिटर कौन है, उसका पब्लिशर्स, उसके वॉल्यूम्स कितने हैं, उसके एडिशंस कौन है, ये सारी चीज़ें अभी आ जाएंगी नीचे। शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, क्लिक करते हैं इस पर, यहाँ पे आपके पास टेबल थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि स्टेट कौन सा है, प्रोवेंस आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब। कंट्री कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया पाकिस्तान, ठीक हो गया। एडिटर कौन है, एडिटर आपके पास हैं जी राशिद, मैंने लिख दिया कोई एग्जांपल। वॉल्यूम, किस वॉल्यूम में काम हो रहा है अभी, करंटली, करंटली हो रहा है सेकंड वॉल्यूम में, यहाँ पे दो लिख दिया। टोटल वॉल्यूम कितने हैं, टोटल वॉल्यूम होंगे आपके पास पांच, ठीक है, पांच के लिए वो भी लिख दिया मैंने। ट्रांसलेटर कौन है, जिसने ट्रांसलेट करना है इसको, आया उसने फारसी में लिखा है तो फारसी में उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा ना, ट्रांसलेटर हमारे जी पास है यहाँ पे यासिर हुसैन। शॉर्ट टाइटल वही जो फना दिया है वही शॉर्ट ही है हमारे पास, उसको यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। पेजेस आपके पास कितने होंगे, पेजेस आप मेरे पास हैं यहाँ पे 110। अच्छा, एडिशंस, एडिशंस हमारे पास होता है, एक वन पार्ट खत्म हो जाता है उसके बाद हम अगर सेकेंड एडिशन रिलीज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास स्क्रिप्टेड में होता है ना, सेशंस होते हैं, तो इस तरह आपके पास एडिशंस हैं। आपके इंग्लिश बुक्स भी होंगी जिसके एडिशंस होंगे, फर्स्ट एडिशन हो गया, सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट, क्योंकि ये फिलहाल स्टार्टअप भी कर रहे हैं इस वजह से फर्स्ट एडिशन ही हम लॉन्च कर रहे हैं। कमेंट्स, कोई कमेंट करना चाहते हैं इस बारे में, कमेंट यही करेंगे कि मस्ट रीड, इसको ज़रूर पढ़िएगा जो बुक लिख रहे हैं। अच्छा, मीडियम लिखी कहाँ पे है, लिखी हमने है जी एम एस वर्ड के अंदर, एम एस वर्ड को हम की फाइल को हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे शॉर्ट डॉक्स, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, एक्सिस कब मिल रही है इसको, 2023, सॉरी 2023, यहाँ पे लिख दिया।
मंथ कौन सा है आपके पास, जनवरी है, डे कौन सा है, 18 जनवरी 2023। आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो उसका यहाँ पे लिंक दे सकती हैं आप, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इसको ओके कर दिया, ओके किया तो यहाँ पे मैंने इतनी डिटेल लिखी है और यहाँ पे सिर्फ दो ही वर्ड आ गए हैं, एक 2022 आ गया, एक फराज आ गया। ये हम इंग्लिश बुक्स वगैरह खोलें या कोई आपके पास उर्दू बुक्स होती हैं, कोई नावल्स वगैरह होती हैं, वो जब ओपन करते हैं फर्स्ट पेज में ना जो उनकी इंट्रोडक्शन होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन होती हैं, साथ नीचे इस तरह सा एक ब्रैकेट में लिखा होता है मुसनफ का नाम और साथ लिखा होता है 2022 के कब लिखी गई है बस, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं साइटेशन। अभी बिब्लियोग्राफी क्या है, बिब्लियोग्राफी आ जाती है इसकी कंप्लीट बायोडाटा, वो किस तरह एंटर किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास कंप्लीट डेटा है जो मैंने तो वहाँ पे पुट किया था वो कहाँ से आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसको नीचे ले आया हूँ मैं टेबल को, ठीक है, वो हाफ हाफ कटा हुआ था ना तो इस वजह से इसको मैं इकट्ठा ही कर दिया। अच्छा ये आपके पास हैं डिफरेंट, हमने कैप्शंस उठाए हैं, कैप्शन तो हमने उठा ली हैं, कैप्शन के साथ यहाँ पे है पोजीशन कौन सी होनी चाहिए, बाव ऊपर बिलो नीचे, ठीक है, जो टेबल होता है टेबल की आपके पास होती है बाव, और जो आपके पास फिगर होता है फिगर की यहाँ पे होती है बिलो, खुद बखुद आ जाती है, मैं तो नहीं किया सिलेक्ट, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पिक्चर होगी ना, पिक्चर का जो कैप्शन होगा वो आपके पास नीचे आएगा, या कोई टेबल होगा या आपके पास क्वेश्चन होगी उसका जो आपके पास कैप्शन होगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे चाहती हैं कोई नया लेबल लगाना चाहती हैं, नए लेबल का नाम भी आप सेलेक्ट कर लेना है, उसको ओके कर लेना है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। इसको मैं कर दूँ कैंसल, ये आपके पास हो गया इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे आपके पास है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, मैं आ जाता हूँ एंड पे, जिस तरह आपने बनाया है यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स तो यहाँ पे आ जाएगा टेबल ऑफ फिगर्स के कितने फिगर्स हैं आपके पास टोटल, हमारे पास 4 से 5 आए हैं, एंटर कर दिए, आपके पास टेबल का जो फिगर है वो आपके पास 1 आया है और कौन से है पेज नंबर 1 पे ही है, जी ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स एंटर, ये आपके पास टेबल का फिगर आ गया, ठीक है, टेबल के फिगर में आपके जी पास टेबल्स का काउंट हो रहा है, टेबल कितने हैं टोटल पेज पे 1 ही है और वो आ रहा है आपके पास पेज नंबर 1 पे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे है अपडेट, अपडेट से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ एक दूसरा टेबल भी इंसर्ट कर देता हूँ, साथ एंटर कर लूँगा, एंटर करके यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पे, यहाँ पे टेबल्स पे, यहाँ पे क्विक टेबल, ये छोटा सा टेबल ले आया हूँ मैं, रेफरेंसेस में आ गया हूँ, इंसर्ट टेबल नंबर 1, अच्छा वो भी टेबल नंबर 1 था, ये भी हमारे पास टेबल नंबर 1 आ गया है, ये क्या सीन है, ओके कर देता हूँ इसको मैं फिलहाल लगा देता हूँ, लेकिन जैसे मैं नीचे आया हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल नंबर 2, ठीक है, तो मतलब ये पास हो गया ऑटो चेंज। यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, अपडेट पेज नंबर ओनली, वो कह रहे हैं पेज अपडेट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं मुझे इंटायर टेबल करना है, इंटायर टेबल की आपके पास दोनों अपडेट हो गए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आपके पास टेबल्स थे। अभी चूंकि जो टेबल्स ऑफ फिगर होता है इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, ठीक है, कि हम नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान में नॉर्मली हम ऑफलाइन यूज़ करते हैं ना कि हम PDF वगैरह में यूज़ करते हैं इनको। अभी मैंने जाना है ना टेबल नंबर 1 पे, कंट्रोल प्रेस करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा टेबल नंबर 1 पे चला गया, कंट्रोल प्रेस करूँगा टेबल नंबर 2 पे चला गया। इसके बाद आपके पास है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस हमने इंसर्ट में भी कहीं ना कहीं पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, हाइपरलिंक और बुक मार्क के आगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैंने उठाए थे क्या चीज़ फिगर, फिगर नंबर 1 इंसर्ट कर दिया, क्लोज एज शोज इन फिगर नंबर 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दिया क्रॉस रेफरेंस एज शोज इन फिगर नंबर 2 क्लोज आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे मेरे पास क्या था टेबल टेबल नंबर 1 एज शोज इन टेबल नंबर 1, यहाँ पे आपके पास था टेबल नंबर 2 एज शोज इन टेबल नंबर 2, हाँ यहाँ पे आपके पास थी इक्वेशन भी, इक्वेशन भी थी, तो इक्वेशंस में यहाँ पे नीचे दे देते हैं, इक्वेशन है इक्वेशन
इक्वेशन आपके पास ये है, ऊपर आपको बताई गई है कि हाँ जी यहाँ पे आपके पास शो हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास है क्या जो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये आपके पास है हाइपरलिंक। अगर आपने जाना है टेबल नंबर वन के ऊपर जाना है, क्लिक करें टेबल फिगर नंबर वन पे आ जाएंगी, फिगर टू पे जाना है क्लिक करें फिगर टू पे आ जाएंगी। अभी ये चीज़ तो हमारे पास बुक्स के अंदर हमने देखी थी, लेकिन हमारे पास तो स्तर नहीं होता था कि हम वहाँ पर क्लिक करते थे और चले जाते थे फिगर के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास पूरी पेज के ऊपर ना एक ही पिक्चर होती थी, लेकिन हमें पता नहीं होता था कि जो पैराग्राफ में जिक्र हो रहा है ये कौन से फिगर का जिक्र हो रहा है, और फिगर नंबर 1.1.1 किधर है, 1.1.5 किधर है, ठीक है, समथिंग इस तरह तीन डिजिट में आ जाते थे ना कि 1.2.3 इस तरह, तो वो चीज़ हमें शो नहीं होती। इस वजह से हमारा इस्तेमाल इस चीज़ में कम था, चूँकि जहाँ पे हम फॉरनर की नस्बत थी, क्योंकि फॉरनर में आपके पास जो बुक्स होती थी उसमें क्लास वाइज में ये सिस्टम्स लगे होते थे, सिस्टम्स में कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करते थे डायरेक्ट फिगर पे आ जाते थे कि हाँ जी फिगर में तो यही नज़र आ रहा है, ये आपके पास है वन ईयर कैलीपर तो यहाँ पे जिक्र हो रहा है वन ईयर कैलीपर के बारे में, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है कैप्शंस के बारे में। इसके बाद आपके पास है यहाँ पे मार्क एंट्री इंडेक्स। इंडेक्स में आपके पास इंडेक्स आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, इंडेक्स आपने पढ़ा होगा अक्सर आपके पास होता है कोई भी फिजिक्स की बुक होगी, इंग्लिश की बुक होगी, आखिर में आपके पास कोई इंडेक्स होते हैं जिसमें आपके पास वर्ड की शॉर्ट शॉर्ट डिफिनेशन लिखी होती है, जिसको ग्लोसरी इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, वो इंडेक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है इंडेक्स में मार्क एंट्री, इंडेक्स में किन किन चीज़ को मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ वीडियो को मैंने मार्क करूंगा, मेन एंट्री है मार्क कर दो क्लोज। यहाँ पे आपके पास वीडियो क्या हो जाता है, मार्कअप। ये कौन सा मार्कअप है, ये आपके पास है होम के अंदर ये वाला शो एंड हाइट। यहाँ पे आपके पास जो स्पेसेस होती हैं, स्पेसेस आपके पास डॉट डॉट लगे हुए हैं, हर स्पेस की जगह डॉट लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख सकती हैं तो इन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई स्पेस नजर नहीं आती, तो यहाँ पे आपके पास मार्कअप, हमने ऊपर वीडियो को मार्कअप किया है, साथ आपके पास बाकी जो मार्कअप का ये निशान होता है साइन, ये आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाता है, जो भी आपके पास स्पेसेस होती हैं वहाँ वहाँ पे आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन स्पेस खाली छोड़ी है, यहाँ पे भी आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास अप्लाई वहाँ से भी होता है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वहाँ यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई करें ये मार्कअप नहीं आता है, ठीक है। इसका भी हमारे पास इतना यूज़ नहीं रहा है जितना फॉरनर्स में यूज़ होता है, ठीक है, इंडेक्स के बारे में, चूँकि इंडेक्स हमें मोस्टली 9, 8, 9 क्लास तक तो इंडेक्स के बारे में, ग्लोसरी के बारे में हमें पढ़ाते नहीं थे, शुक्र करते थे हम या हमारे जो ट्रेनर्स होते थे कि चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, ग्लोसरी देखते नहीं थे, हालांकि वो सबसे मेन चीज़ होती है आपके पास मुकम्मल बुक की समरी होती है, वो अगर आपने कंप्लीट कर ली तो मतलब आपने कंप्लीट चैप्टर्स कंप्लीट बुक कवर अप कर ली। तो ये आपके पास आ गया है रेफरेंसेस के अंदर मार्क एंट्री। अभी यहाँ पे इसको मैं मार्क लगा दिया है, मार्क लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ रेफरेंसेस में, इंडेक्स ओके कर दिए, यहाँ पे मैं वीडियो पे मैंने मार्कअप लगाया था, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है वीडियो का इंडेक्स, जिस तरह हमारे पास टेबल ऑफ फिगर था कि आपके पास कितने वो लगे हैं मार्क लगे हैं, एक मार्क लगा है यहाँ पे वीडियो के सामने, क्या आ गया, एक आ गया, तो यहाँ से मतलब सेक्शन ब्रेक हुआ है। सेक्शन ब्रेक का मतलब है यहाँ पे जो लाइन के दरमियान एंटर किया था ना, जहाँ से प्रोवाइड शुरू किया है, तो जो गैप था गैप को सेक्शन ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ मैं, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, लेकिन कंट्रोल जेड में मार्कअप का अंडू नहीं होता है, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता रहूँगा, ये आपके पास फिगर भी ख़त्म हो जाएंगे लेकिन मार्कअप का वो ख़त्म नहीं होगा, मार्कअप को अपने ख़त्म करना है, यहाँ यहीं से ख़त्म करेंगे, ठीक है जी। फ्रेंसिस में आ गए हैं, इसी में आपके पास है मार्क साइटेशन। साइटेशन को ही कहते हैं मार्क कर लो, साइटेशन आपके पास कितनी है, साइटेशन का भी फिर टेबल बनेगा, जिस तरह यहाँ पे इनका टेबल बनना है, इसको हटा देते हैं ताकि फिलहाल वक्त ये फारिग हो जाए।